आष्टा नेशनल हाईवे क्रमांक 752 सी पर बंसला जोड़ के समीप एक चार पहिया वाहन में अचानक आग लग गई। आग लगने का वीडियो सामने आया है। यह घटना सोमवार दोपहर करीब 1:20 की है। राहत की बात यह है कि इस भीषण हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। कार आष्टा से सुजालपुर की तरफ आ रही थी, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसमें आग लग गई। कार में ड्राइवर अकेला था। आग लगने से पहले ही ड्राइवर सुनील श्रीवास्तव उतर गया। सुनील आष्टा से अकेला वापस आ रहा था, तभी यह घटना हुई। वाहन सुजालपुर के व्यापारी हर्षद शाह का है। सुनील श्रीवास्तव दोपहर में आष्टा से सुजालपुर आ रहा था, तभी उसने अपनी डस्टर कार में आगे से धुआं निकलते देखा। सुनील ने डस्टर कार सड़क किनारे खड़ी कर दी, बोनट खोलने की कोशिश की तो बोनट का लॉक टूटकर हाथ में आ गया। आग की लपट निकलते देख सड़क की दूसरी ओर बने कैलाश बलवदिया के खेत में आसपास के लोगों की मदद से सुनील पानी लाया, बोनट पर डाला। डस्टर कार में से तेजी से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते कार आगे से गिर गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले ही पूरी डस्टर कार आग से जलकर नष्ट हो गई। ड्राइवर सुनील ने बताया कि आग इतनी तेजी से लगी कि वह चलते वाहन में होता तो दुर्घटना का शिकार हो सकता था। सोनू वापस सड़क पर आकर अपनी गाड़ी का बोनट खोलता, उससे पहले ही पूरी डस्टर कार आग की लपटों से गिर गई। ड्राइवर ने बताया कि आग इतनी तेजी से लगी कि वह चलते वाहन में होता तो दुर्घटना का शिकार हो सकता था। वाहन के मालिक पंखिल शाह ने बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुई। इधर बांसला जोड़ पर सुजालपुर से आष्टा की तरफ जा रही एक अन्य कार सुबह करीब 10:30 अनियंत्रित होकर पलट गई थी। कार पलट कर सड़क से नीचे लगे पेड़ से टकरा गई।